किसी पॉलिटिशियन से आप मतलब प्रभावित हैं, मतलब जो आपको, मतलब जिसको आप मानते हो, जिससे कपिल जी के अलावा? नहीं यार, मैं किसी से प्रभावित होके अगर करने लग गया तो फिर तो वो बायोपिक हो नहीं, नहीं, जाएगी। वैसे नहीं, मतलब वैसे वास्तविक आप जीवन जो में। घुमा के लाए हो क्वेश्चन, और वही मैंने कहा था, अगर बायोपिक होती तो मैं जाता, मैं उस आदमी की मैनरिज्म्स देखता किसी भी इंसान के ऊपर। बाकी किरदार भी अगर किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड कोई किरदार कर रहे हैं, एनी एक्टर वुड गो एंड सी द मैनरिज्म्स, और वो कैसे उठता है, चलता है, क्या कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है। आप समझ रहे हो? नहीं, मैं नहीं समझ रहा सर। मैं लेकिन सवाल ही एक्चुअली मेरा ये है कि मतलब वास्तविक जीवन में जैसे कि हम लोग प्रभावित होते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो आप किसी नेता को करते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आशुतोष राणा जी को वो ही नहीं आया आज, वो नहीं आया आज। ऐसा क्यों और क्यों हुआ? मैंने जो अगर मैं ये देखूंगा कि किसी किरदार को मैं कैसे अप्रोच करता हूं, तो वो जो है वो हर किरदार के लिए कुछ अलग होगा। अब मैंने फगली में एक बहुत ही नेगेटिव पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, तो अब ऐसा तो मैं कहाँ जाके ढूंढता ऐसा वाला आदमी जिसको मैं फॉलो करूं और उससे देखूं कि ये नेगेटिव कैसे करता है या क्या करता है। तो अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, डायरेक्टर बहुत सारी चीजें लेके आया होता है कि इसका रंग ढंग ये होगा, इसका चलने का तरीका ये होगा, इसका इस टाइप के कपड़े ये पहनेगा, इस टाइप की लुक होगी इसकी, इस तरीके से वो करेगा। आधी चीजें उसकी होती हैं, आधी चीजें जब आप ऑन द स्पॉट पहुंचते हो, कई बार हमारे हम लोग को फिल्म में गुरिल्ला स्टाइल करनी पड़ती है कि जो सर रेडी है, सर पूरे अभी पब्लिक रेडी है, 55 डिग्री का टेम्परेचर है, ये सब भाग जाएंगे, जल्दी से आइए और जल्दी से कर दो। कई बार आप सोचते भी नहीं हो कि हाथ ये वाला उठाऊंगा कि वो वाला उठाऊंगा, तो आगे पहले एक उठा देते हो, फिर दूसरा, और फिर दोनों उठा देते हो, और फिर उतनी देर में टेक ओके हो जाता है, बाद में आप देखते हो तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो कई बार चीजें ऐसे भी हो जाती हैं, ठीक है ना सर? समझ गया। तो जरूरी नहीं है कि किसी किसी को देख के या किसी को वो करके ही करना पड़े। कपिल जी, मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे ये कह रहे हैं बायोपिक के लिए, किस मतलब नेता के ऊपर आप बायोपिक देखना चाहेंगे? किस नेता के ऊपर जी, बायोपिक देखना चाहो, हम देख ही रहे हैं रोज वो नेता। मतलब सर कौन? अब आप समझ गए, इतने समझदार तो हुआ। उनके अलावा आपको जवाब मिल गया सर। ये आपने कितने समय में ये जो लिखा गाना, कितना समय लगा आपको सर? वक्त लगता है इसमें, काफी 2-3-4 महीने लगे, क्योंकि हम हर वक्त चेंज हो रहा था कि ये इसमें बैठता नहीं है, अरिजीत ऐसे गा रहा है, वो कह रहा है कि आप इसको भी चेंज करो, ये अल्फाज यहाँ बैठते नहीं है, तो चेंज करना पड़ता था। जिमी जी, जैसे आजकल तो कई बार ऐसा भी, जैसे जो ज्ञान मिला है हमें कि मतलब सेट पे ही गाने लिख दिए जाते हैं, तो मतलब आप तो मतलब काफी सोच विचार के मतलब लिखते होंगे फिर। मुझे तो मालूम नहीं, क्यों, मैं तो सेट कभी गया नहीं। सर आगे फिल्मों के लिए भी आप कहानी वगैरह या कुछ लिखेंगे ऐसा नहीं? कुछ ऐसा आप पूछोगे मैं एक्टिंग भी करना शुरू करूंगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, कोई मेरा बिजनेस विस नहीं है, मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, शौकिया तौर पे मैं करता हूँ और शौकिया तौर पे करता जाऊंगा, मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है मेरा। प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म काफी शोर मच रहा है आपकी फिल्म का रिलीज के, काफी संतुष्ट हैं आप इस चीज से? बहुत संतुष्ट हूँ। द क्रेडिट गोज टू द पीआर टीम, सभी को मिलना चाहिए इस चीज का। सर कई बार जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में जो देख रहे हैं, कई ऐसे वाद विवाद की बातें आती हैं, कितना आप इसको सही मान रहे हैं? कई बार डायरेक्टर्स के बारे में बात आती है, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात आती है, तो आप नहीं, हमारे पास इस तरीके का कुछ नहीं है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे सबको देख रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, सभी लोगों से आप बात कर रहे हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, तो किसी भी तरीके का कोई बात नहीं आ रही है, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए। नहीं सर, ऐसे टिप्स तो मैंने नहीं ली, टिप्स बहुत सारी ऑलरेडी लेके आए हुए थे हमारे डायरेक्टर लोग और क्रिएटिव टीम जो है, ये मतलब ऑलमोस्ट जब सीन सुना भी रहे तो कर करके दिखा रहे थे, तो आधा काम तो मेरा वहीं कंप्लीट हो गया था कि बा यार क्या चार्ज दें ये लोग, एकदम स्पीच भी पढ़ के सुना रहे हैं तो इतने जोश और उसके साथ सुना रहे हैं, उनका आधा काम तो मेरा वहीं हो गया था। और
प्रिंसिपल साहब को मैं उधर लॉन्च पे, मतलब जो हम लोगों ने फिल्म को लॉन्च किया था उस टाइम पे, और बाकी आई थिंक सिबल साहब ने जिस तरीके से कहा कि लिरिक्स लिख रहे हैं, लिरिक्स ही लिखते रहेंगे, तो मैं भी बोल रहे हैं कि भाई एक्टिंग नहीं करेंगे और प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, है ना सर? सो हम भी अपनी एक्टिंग ही करते रहें तो बढ़िया है। अगर ये गुजरात के होते तो फिर वहाँ गुजरात में बना देते हैं। एक्चुअली कुछ कहानियाँ आपके जहन में हमेशा होती हैं, आप उनका बैकग्राउंड रचते हो, सोचते हो ऐसे दिखाएंगे ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे ही थी कुछ चीजें, कुछ घटनाएं हम लोगों के दिमाग में थी। तो एक दिन मैं और प्रणव बैठे हुए थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कैसे करते हैं, तो इनिशियली इट वॉज प्लान इंटरनेशनली नहीं, फिर हम लोगों का हाँ बांग्लादेश नहीं नहीं न्यूज पेपर की तमाम, जैसे न्यूज होती है कोई भी घटना कभी कभी आप न्यूज में पढ़ते हो या कहीं पे देखते हो तो आपको झकझोर सी देती है, आपको लगता है कि यार इस दौर में भी जहां पे इतनी नकारात्मकता फैली हुई है, नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें भी लोग मानवता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उससे आप इंस्पायर्ड होते हो, आपको लगता है कि ये कहानियां ज्यादातर लोगों को पहुंचनी चाहिए, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए जिससे हमारा समाज लंबे समय तक बचा रहे। तो ऐसे कुछ घटनाएं थी, कुछ न्यूज थी हम लोग के पास में, तो एक दिन ऐसे बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग इंटरनेशनली बनाना चाह रहे थे कुछ इस तरीके का, फिर फाइनली सेटल हुआ नहीं, और चूंकि हम लोग यूपी से ही हैं तो यूपी वाले ड्रामा और पॉलिटिकल ड्रामा इन दोनों को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो इस तरह हो गई सब। बहुत बेहतरीन एक्टर है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूँ हासिल के दिनों से, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा था कि ये करेक्टर ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे, और कोई ऐसा ही आदमी हमको चाहिए था कि जो आपने डायलॉग डिलीवरी देखी ना, जिन्हें ये पसंद नहीं यहाँ से जाना होगा, तो ऐसा आप बताओ कोई बोल सकता था क्या? सर बोल चुके हैं इनके सामने, हम क्या बोल तो दिया इन्होंने, बोलते बोलते में यही ऐसे ही स्क्रिप्ट भी सुनाते सुनाते में ये लोग कर देते थे, एकदम बोलते निकल जाते थे। आजकल तो रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ ठीक है ना, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप जितना मर्जी आक्रमण पॉलिटिशियंस पे करो, बिना पॉलिटिशियंस देश भी नहीं चल सकता, बिना पॉलिटिक्स देश नहीं चल सकता। आपका संविधान होगा तो पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स जितना मर्जी आप नेगेटिव दिखा लो ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको उसके बिना पॉलिटिशियन बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि एक ठीक नजरिए से पॉलिटिशियन को देखो, सब पॉलिटिशियन खराब नहीं होते, सब पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते, सब अभिनेता खराब नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते, सब मीडिया खराब नहीं होता, सब अच्छे भी नहीं होते ठीक है ना। तो हर एक में खराबी ना देखो, खामियां ना देखो, अच्छाइयां भी देखो, बैलेंस्ड चीज होगी तो देश आगे बढ़ेगा। सभी पॉलिटिशियंस को आप दिखाओगे कि सभी चोर हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, जो कि इस फिल्म में है। आप सारे पॉलिटिशियंस को गलत नहीं देखेंगे, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अपने उसके लिए कुछ तरीके से कर रहे हैं और कुछ हैं जो अच्छी लाइट में आपको दिखेंगे, जो कि रियल लाइफ में होता है। लाइट पंडित जी के बारे में, उन्होंने 3 सॉन्ग दिए हमारी मूवी में और काफी अच्छे सॉन्ग है वो भी बाद में भी रिलीज होंगे एक एक करके, नहीं वो धीमे धीमे आपको सुनने में आएंगे। अब हाँ वो पूछना चाहूंगा कि आशुतोष जी आए नहीं, कुछ कभी महसूस हो रही है उनकी, और क्या रीजन था? ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आशुतोष जी किसी वजह से नहीं आए होंगे और ललित जी भी किसी वजह से नहीं आए यहाँ पे जी। काफी अच्छे गाने हैं, एक आइटम सॉन्ग है और उसके अलावा 2 गाने, नहीं वो ललित जी के ही हैं गाने दोनों, तीनों आइटम सॉन्ग सर का है, आइटम सॉन्ग का लिरिक्स सर का है जी। मस्त है देख लेना भैया, अभी बताने का कोई तुक नहीं है इस समय, आप सुनेंगे वो बात, वो ऐसा वैसा ऐसा वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है जैसा आप समझ रहे हो।
आपको पसंद आएगा। हाँ वो भी अलग है स्टाइल, वो आइटम सॉन्ग भी अलग है, मस्त मस्त हवा मस्त मस्त। We have a last question. Anyone? Last question, please. Yes. Actually, by choice, I was a teacher. Yes, sir. By accident, I was a politician. And by profession, I am a lawyer. By choice, I was a teacher. I started my life teaching modern history. I entered the law. I, in the meantime, got into the IAS. I did not join. I entered the law. And then, accidentally, I became a politician. That's how it all happened. My future plans is to write more lyrics for you guys. Thank you. Thank you so much.